सोलन में निजी वाहन चालक अपने वाहनों को टैक्सी के रूप में अवैध रूप से चला रहे हैं, जिसकी मार टैक्सी चालकों पर पड़ रही है। इसके बारे में टैक्सी चालक कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम विभाग द्वारा नहीं उठाया गया है। वहीं जब मीडिया ने इस बारे में सोलन के RTO सुरेश कुमार सिंघा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निजी वाहन चालकों को सवारियां ढोने से मना किया है और अगर कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, लेकिन अभी भी चोरी छिपे से ये गाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में अवैध तरीके से चला रहे हैं, वह ऐसा करना बंद कर दे, अन्यथा वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। RTO सुरेश कुमार सिंघा ने कहा कि हाल ही में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सोलन के DSP मुख्य रूप से मौजूद रहे थे। इस बैठक में सोलन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन सोलन के सदस्यों के साथ कुमारहट्टी, दारला घाट, धर्मपुर और कंडा घाट के टैक्सी चालकों ने भी अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा कि उन गाड़ियों की लिस्ट भी बनाई गई जिस पर इस बात का शक है कि वे अपनी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग समय समय पर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करता आ रहा है। अभी जो प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाने का जहाँ तक प्रश्न है, ये मामला पिछले काफ़ी समय से हमारे ध्यान में आया है। इस बारे में अभी हाल ही में हमने जो एक मीटिंग भी करी है, जिसमें हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर यूनियंस के लोग थे, कुमारहट्टी, धर्मपुर, दारला घाट, कंडा घाट, सोलन, इन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था। इनके साथ विस्तृत चर्चा की गई और उसमें जो है वो पुलिस विभाग से जो है वो DSP साहब भी आए थे, तो इस पे जो है बड़ी डिटेल में चर्चा की गई है। और आने वाले समय में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनका टैक्सियों के रूप में यूज़ हो रहा है, उसकी कुछ लिस्ट भी जो है इन्होंने टैक्सी यूनियन से टेंटेटिव लिस्ट हमें सौंपी है, जिन पे ये शक है कि ये गाड़ियों को, इन गाड़ियों का जो है वो टैक्सी के रूप में कमर्शियल यूज़ हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर कभी भी चेकिंग के दौरान, सरप्राइज विजिट्स के दौरान इन गाड़ियों को जो है वो पकड़ा जाता है और ये इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाई जाती है, तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितनी गाड़ियाँ डिटेन कर दी गई हैं सर? नहीं, इसमें हम समय समय पे देखो कार्रवाई करते रहते हैं। अभी हम पिछले कुछ दिनों पहले परवाणु में थे, तो वहाँ पे भी हमने एक ऐसी गाड़ी थी जिसको हमने पकड़ा था और उस पे हमने काफ़ी जुर्माना भी किया था। और आने वाले समय में और भी हमारे जो शिकायतें आ रही है उनको जो है वो मद्देनजर रखते हुए बीच बीच में सरप्राइज विजिट्स जो है की जाएगी। जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस कार्य में ऐसा कार्य कर रहे हैं या जो जानकारी हमें आ रही है, तो वो इस तरह की गतिविधि में या अपनी प्राइवेट कार का जो है कमर्शियल गाड़ी के तौर पर यूज़ ना करें। अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो आए, टैक्सी परमिट के लिए अप्लाई करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे टैक्सी परमिट्स के। कितने से कितने तक का है? देखिए, जो फर्स्ट ऑफेंस होता है इसमें जो है वो 5,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना होता है। बाकी दूसरी और भी चीज़ें होती हैं गाड़ियों में कि किस तरह से इनके पेपर्स हैं, लाइसेंस है और है, तो उसी हिसाब से इनको जुर्माना किया जाता है।